क्या आपको पता है भारत में संडे की छुट्टी 1890 के बाद दी गई थी। जी हाँ, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग सातों दिन काम करते थे। इन मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, इन्हें खाना खाने के लिए लंच का समय भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद करीब 1857 ईस्वी में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सकें। माना जाता है कि इसके बाद 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को रविवार के दिन सबके लिए छुट्टी घोषित करनी पड़ी।